नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बाला जर्नलिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7-8 हिंदी सेकंड वर्तिका में संज्ञा चैप्टर पढ़ेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम खेल रहा है, मेज पर पुस्तक रखी है, बनारस अत्यंत रमणीक शहर है, आज बहुत गर्मी है, सेब में मिठास है। तो जो वाक्य है, जैसे राम व्यक्ति का नाम है, मेज और पुस्तक वस्तुओं के नाम है, बनारस स्थान का नाम है, गर्मी और मिठास गुणों का नाम है, मतलब इससे भाव प्रकट हो रहा है। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के पांच भेद होते हैं। संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। अब हम एक एक पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, रमा, ये सभी क्या है? व्यक्तियों के नाम है। वस्तु जैसे मेज, किताब, पुस्तक, पेंसिल, ये सभी क्या है? वस्तुओं के नाम है। फिर स्थान जैसे लखनऊ, बनारस, कानपुर, ये सभी क्या है? स्थान है। तो स्थानों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के प्राणी अथवा वस्तु का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, फल, अध्यापक, पशु, पक्षी, नगर, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, आकार, दशा, इन सारी चीजों का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, नम्रता, सज्जनता, कड़वाहट आदि, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, दूध आदि, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। समूह या समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से समूह या पूरे समुदाय का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दरबार, सभा, कक्षा आदि, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जो भाववाचक संज्ञा है, उन्हें हम पांच प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अवयवों से और क्रियाओं से। तो इनकी सूची आपकी बुक में दी हुई है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस सूची को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका छोटा सा चैप्टर है बच्चों, आप ये सारी चीजें हम लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपके सारे नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।